एहसान किचन में बनाने जा रही हूँ ब्रेड की मिठाई। इसे देखकर आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। आप इसे झटपट और आसानी से घरों पर बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए मैं ब्रेड और चीनी ले ली हूँ। मैं आधे कटोरी चीनी ले ली हूँ। मैं बड़े से बर्तन में चीनी को डाल दी हूँ आधे कटोरी। उसी कटोरी से मैं पानी को डाल देती हूँ और गैस पे चढ़ा देती हूँ चाशनी बनाने के लिए। मैं इसे मिला लेती हूँ ताकि हमारा चीनी अच्छी तरह घुल जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा चीनी घुल गया है। अब मैं इसमें इलायची को डाल देती हूँ। मैं इसे चीनी घुलने तक थोड़ी देर पका लेती हूँ। मैं चाशनी को चिपचिपा नहीं बनाऊंगी। हमारा चाशनी तैयार है। अब मैं कढ़ाई गर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं 4-5 ब्रेड ले ली हूँ। ऐसे मैं 2 भाग में काट लेती हूँ। मैं इसे ट्रायंगल के शेप में काट लेती हूँ। इसी तरह मैं बाकी सब ब्रेडों को काट लेती हूँ। अब मैं ब्रेड काट ली हूँ। अब मैं रिफाइन को डाल के इसे गर्म कर लेती हूँ। हमारा रिफाइन गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ब्रेड को डाल के छान लेती हूँ। इसे मैं पलटा लेती हूँ। इसे फ्राई होने में टाइम नहीं लगता है। मैं इसे ब्राउन कर लेती हूँ। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मैं ब्रेड को बीच बीच में पलटा लूँगी। हमारा ब्रेड ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं दूसरे ब्रेड को भी छान लेती हूँ। आप इस ब्रेड रेसिपी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अब मैं ब्रेड को निकाल लेती हूँ और चाशनी में डाल देती हूँ। चाशनी में ब्रेड को डाल के दोनों तरफ पलटा लेती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। मैं ब्रेड को ज़्यादा देर चाशनी में नहीं रखूँगी ताकि हमारा ब्रेड टूट जाएगा। मैं इसी तरह सारे ब्रेड को चाशनी में डाल के निकाल लेती हूँ। हमारा मिठाई बनकर तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। अब मैं बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ब्रेड के ऊपर मैं गार्निशिंग कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा ब्रेड का मिठाई बनकर तैयार है। ये जितना देखने में अच्छा है उससे कई ज़्यादा गुना खाने में अच्छा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।